दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैं एक V4 3 फेस मोटर को डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि V4 1.5 HP में कभी भी डेल्टा कनेक्शन, यानी कि V4 मोटर में कभी भी डेल्टा कनेक्शन आता नहीं है, तो क्यों हमें इस मोटर में डेल्टा कनेक्शन करना पड़ा वो लास्ट में वीडियो को बताएंगे। तो यहाँ पर 1.5 HP का मोटर जो कि हमने वाइंडिंग कर दिया, इसमें 6 इनर तार निकलते हैं, 3 ग्रुप बिठाए हुए होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 6 वायर निकलते हैं। इन 6 वायर्स का हमें डेल्टा कनेक्शन करना। डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, दोनों वायर्स के बाजू बाजू यानी बगल बगल वायर के दो दो वायर ले लेने हैं, और केबल के एक एक केबल के रेड येलो और ब्लू किसी में भी बगल बगल के दो दो वायर्स को ज्वाइंट कर देना। आप कोई भी बगल बगल का, इस साइड का बगल ले सकते हो, उस साइड का बगल ले सकते हो, यानी कि दोनों पास पास वाले वायर्स को ही लेना है डेल्टा कनेक्शन करने के लिए। तो केबल में सबसे पहले केबल के वायर्स को प्लास्टिक निकाल देते हैं, फिर देख सकते हैं बगल के दोनों वायर्स को केबल के एक वायर में ज्वाइंट करना है। इसमें कलर कोड का कुछ भी देखना नहीं होता है, कोई भी कलर में आप ज्वाइंट कर सकते हो डेल्टा कनेक्शन में। स्टार डेल्टा कनेक्शन में ही कलर कोड को थोड़ा महत्वपूर्ण दिया जाता है, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है, यदि कलर गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है उसको मोटर को चालू करने में। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है, और फिर पकड़ से थोड़ा इसको फोल्ड यानी कि मोड़ देंगे अच्छे से, जिससे टेप से बाहर वायर ना निकले। फिर इसके बाद जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया है वहाँ पे PVC टेप लगा देना है उसके ऊपर। देख सकते हैं तीनों अलग अलग वायर्स में इनर तार दो दो वायर जो है ज्वाइंट हुए हैं यहाँ पे। फिर जहाँ पे हमने ज्वाइंट किया वहाँ पे PVC टेप लगा देना, जिससे गर्म होके, और फिर उसके बाद यहाँ पे पंचर टेप कुछ इस प्रकार से अच्छे से लगा देना है तीनों वायर्स के ऊपर, दोनों वायर्स के बीच में भी लगा देना है, जिससे पानी अंदर से ना जा सके, कुछ इस प्रकार से। फिर इस टेप को भी अच्छे से टाइट करके यहाँ पे लगा देना है। टेप और पंचर टेप को अच्छे से लगाना है, जिससे कनेक्शन ही मेन होता है इस बॉडी का। यदि कनेक्शन में पानी घुसा तो भी बड़ी बॉडी को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। तीनों वायर्स में अच्छे से टाइट कनेक्शन लगा देते हैं। तो यार, 1.5 HP का मोटर है, इसमें हम यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी 1.5 HP V4 यानी कि 1.5 HP हो, चाहे 5 HP हो, चाहे 7 HP हो, V4 में कभी भी डेल्टा कनेक्शन नहीं किया जाता है। डेल्टा कनेक्शन करने का यही है कि यह मोटर जो है दोस्तों सोलार पे चलने वाली है, और सोलार में जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही कम वोल्टेज होता है कभी भी, तो उसके लिए हम यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन करते हैं, जिससे बिल्कुल भी लो वोल्टेज, बिल्कुल कम वोल्टेज, 150-200 वोल्टेज पे 3 फेस, तो यह मोटर जो है आसानी से चल सकती है, चालू हो सकती है, पानी निकाल सकती है। यही दोस्तों कारण है इस मोटर में हमें डेल्टा कनेक्शन करना पड़ा, जो कि यह मोटर सोलार पे चलने वाली है, या डायरेक्ट वोल्टेज यानी कि 3 फेस पे नहीं चलेगी, सोलार सिस्टम पे यह मोटर चलने वाले, जिसके वजह से उसमें बहुत ही लो वोल्टेज भी होता है, और उसी के कारण यहाँ पे हमने इस बॉडी में डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं। यदि स्टार कनेक्शन करते तो मोटर या तो चालू ही नहीं होती, और अगर चालू भी होती तो बहुत ही कम पानी निकालती। फिर पंचर टेप लगाने के बाद यहाँ पे PVC का टेप लगा देते हैं वापस। इस टेप को भी अच्छे से टाइट लगा देना है। और यदि हम इस मोटर को 3 फेस में चलाएंगे तो यह मोटर बिना किसी चिंता के जल जाएगी, क्योंकि इस पे डायरेक्ट जो है वोल्टेज जाएगा। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट वोल्टेज जाता है 440 वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज रहता है, और 440 वोल्ट डायरेक्ट इसमें देंगे तो यह मोटर आराम से जल जाएगी। और यदि हम इस पे स्टार कनेक्शन करते हैं तो यह 440 वोल्टेज पे आराम से चलेगी,
और यदि 100-150 वोल्टेज है तो यह डेल्टा कनेक्शन हो गया, इस पर बहुत ही अच्छी चलेगी और काफ़ी RPM से काफ़ी अच्छा पानी भी निकालेगी। कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे डोरी लगा देते हैं, डोरी डोरी को यहाँ पे अच्छे से बांधा जाता है ताकि बाइंडिंग जो है खींचे ना केबल से। और यदि आपके वहाँ पे भी कभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आप सोलार पे चलाना चाहते हैं या तो फिर 3 फेस में 150 वोल्टेज हो, तब यह आप डेल्टा कनेक्शन करके इस मोटर को काफ़ी अच्छी क्वालिटी से चला सकते हैं। और यदि ज़्यादा वोल्टेज है तो भूल से भी V4 में डेल्टा कनेक्शन कभी नहीं कीजिएगा, नहीं तो मोटर 100% जल जाएगा। तो आज की वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हम आखिर क्यों इसमें डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं, जो कि हमें करना नहीं चाहिए। देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग काफ़ी कम टाइम में हमने कनेक्शन कर दिया।